वाला किस्सा मैं लोगों को बताता हूँ। ये जो केक दिख रहे हो आप लोग, ये केक एक्चुअल मैंने खरीदा नहीं, मैंने खरीदा है मेरे मर्जी से खरीदा नहीं, मेरे मर्जी से नहीं। ये वाला जो केक का पैकेज दिख रहा है ये 40 रुपीज़ का है, 40 रुपीज़ का। और इसका किस्सा आप लोगों को बताता हूँ। मैं परसों पढ़ने गया था, मेरा सर के वहाँ घर पे पढ़ने गया था, तो था मैं ऑटो से वापस, मैं एक दुकान पे गया था। दुकान पे जाने के बाद वहाँ पे शॉपकीपर यानी दुकानदार वहाँ पे नहीं था, और मैं इस केक को इस पैकेट को देख रहा था कि पैकेट बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा है। मैं देख रहा था सर, मैं लेने की मेरे अंदर लेने की ख्वाहिश थी, तो मैं इसलिए देख रहा था, और देखते देखते हाथ से फिसल गया। हाथ फिसल जाने के बाद नीचे एक बाल्टी थी, बाल्टी में पानी भर पूरा भरा हुआ था, तो उस बाल्टी में पानी भरा हुआ था, मुझे पता नहीं था, और मेरा हाथ सिर्फ था कि वहाँ नीचे गिर गया। नीचे गिर जाने के बाद दुकानदार आया, बहुत गुस्सा हो गया, कौन किया है, बंगाली में बोल रहा है, क्या करे बेटा, कहना बोलो क्या हाथ दिले। तो मैं तो बोल रहा था कौन कर रहा है, किस लिए तूने इस पैकेट को हाथ दिया। मैंने बोला था मैं खरीदना चाहता था, इसलिए मैं जानता नहीं था वहाँ पर पार्टी है, मेरे हाथ से फिसल गया, मैं क्या करूँ। तो बोलने के बाद वो बहुत ही मेरा दे रहा था, तो इसलिए मैं क्या कर एक्चुअली एक नहीं पड़ा था, दो पैकेट बाल्टी में डूब गया था, दो पैकेट डूब जाने के बाद वो पूरा भीग गया था। भीग जाने के बाद क्या, तो मेरे भी बहुत ही बुरा लग रहा था कि गरीब आदमी दुकान चलाता है, तो इसलिए मैंने बोला तो दो दे दो। तो दो हाँसी में खरीद लिया, दोनों का प्राइस है 80 रुपीज़, तो दो हाँसी 80 रुपीज़ में खरीद लिया। और फॉर्चुनेटली मेरे पास पैसा था, अगर पैसा नहीं होता था मैं तो क्या करता था मुझे नहीं पता था, तो लकीली मेरे पास पैसा था इसलिए मैं बच गया, और पैसा नहीं था तो मेरा वहाँ पे वो प्रेस रेस यूज हो जाता था। और थोड़ा रुक गया, ज़रा खा लेता हूँ, बहुत भूख लग रहा है। और एक बात बदल देता था वो आप लोगों का, बाई चांस एक मैंने खरीद लिया था, पर जब मैंने घर आया था, घर नहीं वहाँ पे जब आ रहा था, मेरा बहुत भूख लग रहा था, तो मेरा ये है स्वभाव है कि मैं पढ़ते खाता हूँ हर वक्त, स्पेशली मैं जब पढ़ता हूँ सर के वहाँ पढ़ने जाता हूँ, तो मेरा भूख लगता ही लगेगा। तो इसलिए मैं ये पैकेट बाहर निकल के मैंने खाना शुरू कर दिया, तो बहुत ही टेस्टी था, मुझे लगा तो ये तो हो गया, लॉटरी लग गया मेरे साथ। तो उसके बाद एक दो खाके फ्रेंड्स को बोला जो तो खाएगा, तो बोला नहीं खाएगा, नहीं खाऊंगा। गाइस ये था मेरा स्टोरी, अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना। ओके बाय।